आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किस तरीके से आप अपने वीडियो में किस तरीके से आई बटन लगाएंगे आप अपने किसी भी वीडियो का। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, ऐसे यूजर्स हैं जिनको अपने वीडियो में आई बटन लगाना नहीं आता है। वो सुनते रहते हैं कि आई बटन लगाते हैं, बट वो नहीं समझता है कि आई बटन जो होता है वो होता है क्या। तो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप अपने कोई भी वीडियो में किस तरीके से आप आई बटन लगाएंगे। सो आज मैं इंजीनियर राजा और मैं आपसे सजेस्ट करता हूँ कि अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस रेड बटन को दबा के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस तरीके का नया नया वीडियोज़ पाइए आप रोजाना। तो आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना होगा कि कैसे अपने वीडियो में आई बटन लगाएंगे। ये सीखने के लिए कि कैसे लगाया जाता है अपने वीडियो में आई बटन, इस वीडियो को आपको लास्ट तक देखना होगा, तभी आप समझेंगे कि किस तरीके से अपने वीडियो में आई बटन लगाया जाता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ किस तरीके से आप अपने वीडियो में किस तरीके से आई बटन लगाएंगे। आप अपने कोई भी वीडियो में कोई भी वीडियो का आई बटन बहुत ही आसानी से लगा सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आप क्या करना है, कोई भी ब्राउज़र को ओपन कर लेंगे और यहाँ पे आपको टाइपिंग कर देना है यूट्यूब। मैं यहाँ पे से इस पर क्लिक करूँगा, यहाँ पर देखिए यूट्यूब आ चुका है, आपको इस पर क्लिक कर देना है और अपना जो यूट्यूब चैनल है उसको आपको ओपन कर लेना है। यहाँ पर देखिए कि मेरा चैनल यहाँ पर आ चुका है। सबसे पहले क्या करना है, स्क्रॉल डाउन करके नीचे आइएगा और आपको यहाँ पे एक ऑप्शन ढूंढ लेना है सेटिंग का। तो यहाँ पे ये सेटिंग है, आपको इस पर क्लिक कर देना है। इसे इस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरीके से इसका यूजर इंटरफेस आएगा। यहाँ पे चैनल स्टेटस है एंड फ्यूचर है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इसे इस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने फिर से एक नया ऑप्शन यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। आप डायरेक्ट यहाँ से स्क्रॉल डाउन करके नीचे आइएगा और यहाँ से देखिए मैनेज यूट्यूब अकाउंट है, इस पर जाकर आप जो है चैनल पे आई बटन लगा सकते हैं। तो मैं यहां से इसको क्लोज कर देता हूं। यहां पर देखिए कुछ इस तरीके से ये पेज जो आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। यहां पर जो आपका वीडियो है, जो भी जिस भी वीडियो पर आप लगाना चाहते हैं वो वीडियो आपको यहां पे मिल जाता है। या इसको आप जो है यहां पर देखिए कॉन्ट्रेस्ट है तो यहां से भी जा सकते हैं, तो इस पर क्लिक कीजिएगा। इसे इस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने में कुछ इस तरीके से ये पेज जो है ओपन होकर आ जाता है। अब जो है आप कौन से वीडियो में आई बटन लगाना चाहते हैं उसको आपको ओपन कर लेना है। यहाँ से दिख रहे हैं कॉन्टेंट, इस पर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर वीडियो आ जाएगा। और इसमें जो है इतने सारे आपको वीडियो है देख रहे हैं। यहाँ पर मैं स्क्रॉल डाउन करके नीचे आता हूँ और यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर आपको जो है 131 वीडियो है। तो अब मैं इतना डिटेल में नहीं जाना चाहता हूँ, आप कौन से वीडियो पे आई बटन लगाना चाहते हैं वो वीडियो को आपको ओपन कर लेना है। जैसे हमको इस वीडियो में लगाना है तो मैं इस वीडियो को इस तरीके से जो है डिटेल वाले पे क्लिक कर दूँगा। जैसे इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो आपको यहाँ पे वीडियो जो है यहाँ पे आपको ओपन होकर आ जाता है। अब यहाँ पर देखिए राइट साइड में स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएगा, यहाँ पर आपको 3-4 ऑप्शन मिल रहा होगा। यहाँ सब टाइटल, इंड स्क्रीन और यहाँ पे कार्ड्स का ऑप्शन है, तो यहाँ कार्ड वाले पर आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे आपको ये 4 ऑप्शन देखने को यहाँ पर मिल जाता है। यहाँ पे वीडियो, यहाँ पर लिस्ट में लगा सकते हैं आई बटन, यहाँ चैनल में आई बटन लगा सकते हैं, यहाँ लिंक में आई बटन लगा सकते हैं। जैसे मैं वीडियो में लगाना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर इस वाले वीडियो वाले पर मैं क्लिक करूँगा। अब यहाँ पर आपका पूरा वीडियो आ जाएगा, जो भी आपका वीडियो सब है। यहाँ पर देखिए कि आपका इतना सारा वीडियो आ चुका है, आप कौन सा वीडियो को आई बटन में लगाना चाहते हैं वो वीडियो आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। तो इस तरीके से मैं स्क्रॉल डाउन करके नीचे जाऊँगा और यहाँ पे आपको इतने सारा वीडियो मिल जाता है। तो आप जो भी वीडियो को लगाना चाहते हैं वो वीडियो को आपको इसमें से सेलेक्ट कर लेना है। जैसे देखिए हमको इस वीडियो को लगाना है तो मैं इस वीडियो को सेलेक्ट करूँगा इस तरीके से। यहाँ पर देखिए कि आपका जो वीडियो यहाँ पे आ चुका है सेलेक्ट होके, और यहाँ पर देखिए कि आपका जो है यहाँ पे आई बटन लग चुका है। सो इस तरीके से यहाँ पे जो है टेस्टेड टेस्ट लिख सकते हैं, ऑप्शनल है, या कस्टमर मैसेज लिख सकते हैं, यह भी ऑप्शन है, आप लिखिए या नहीं लिखिए। इसके बाद यहाँ पर देखिए आपका पूरा वीडियो आ चुका है, इसमें से आप कटिंग भी करके लगा सकते हैं, ठीक है। तो हमको कोई कटिंग नहीं करना है, हमको सिंपली पूरा लगाना है। तो सिंपली यहाँ से बाइक आपको क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो ये वीडियो जो है आपका आई बटन में लग चुका है। तो वो वीडियो आपका ये वीडियो देख रहे हैं, ये वीडियो है, इस वीडियो में आपका जो है आई बटन लग चुका है। सो गाइस ये तरीका है आप अपने वीडियो में जो आई बटन लगा सकते हैं कोई भी वीडियो का। मैं आपको एक बार फिर बता देता हूँ, यहाँ देखिए कार्ड है, कार्ड वाले पर क्लिक कीजिएगा। कुछ सामने कुछ इस तरीके से ये ऑप्शन आ जाए, यहाँ कार्ड वाला है, यहाँ कार्ड वाला जो देख रहे हैं प्लस कार्ड, इस पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको चूज कर लेना है वीडियो लगाना है, प्लेलिस्ट या चैनल या लिंक, तो जो भी आप लगाना चाहते हैं। जैसे मैं वीडियो लगाना चाहता हूँ, मैं इस पर क्लिक करूँगा वीडियो वाला पे। अब आपके सामने में ये पूरा वीडियो आ जाता है।
अब जो भी वीडियो को आप जो है आई बटन में लगाना चाहते हैं वो वीडियो आपको सेलेक्ट कर लेना है। जैसे मैं ये वीडियो वाला लगाना चाहता हूँ तो मैं इस वीडियो वाले पर क्लिक करूँगा और देखिए आपका वीडियो यहाँ पे आ चुका है। तो मैं यहाँ पे दो वीडियो लगा चुका हूँ इसमें, तो ये दोनों यहाँ पे आई बटन में लग चुका है, यहाँ पे देख रहे हैं। तो मैं यहाँ पे इसे सेव कर दूंगा तो ये जो है आपका आई बटन में लग चुका है। सो गाइस ये कुछ सिंपल प्रोसेस है जिससे आप बहुत ही आसानी से आप अपने वीडियो में कोई भी वीडियो का आई बटन लगा सकते हैं। तो गाइस ये वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। अगर आपके दिल में कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके पूछ सकते हैं।